भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला का कल दूसरा मैच यानी कि 2 फरवरी से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है वो हम आपको बताते हैं, पिच रिपोर्ट क्या रहेगी और वहां का वेदर कैसा है वो भी हम आपको बताते हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें सबसे पहले तो 2 बदलाव किए गए हैं, जिसमें जेम्स एंडरसन ने मार्क वुड को रिप्लेस किया और चोटिल जैक लीच की जगह पर डेब्यू करेंगे शोएब बशीर। शोएब बशीर को मौका दिया गया है। तो इस तरह से शुरुआत की बात करें तो बेन डकेट हैं, जैक क्रॉली हैं, ओली पोप हैं, जो रूट हैं, बेन स्टोक्स हैं, बेन फोक्स हैं, उसके बाद रेहान अहमद, टॉम हार्टली, शोएब बशीर और जेम्स एंडरसन इस टीम का हिस्सा हैं। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम में थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल जो पिछले मैच के टॉप स्कोरर थे वो चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं। रजत पाटीदार को विराट कोहली की जगह पर टीम में शामिल किया गया था, तो सरफराज खान और सौरभ कुमार को रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की जगह पर मौका दिया गया है। इन दोनों ही खिलाड़ियों में से किसे मौका मिलेगा अगर बात की जाए भारत की तरफ से, तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर शुभमन गिल को एक बार और मौका दिया जा सकता है, 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर सरफराज खान या पर रजत पाटीदार में से कोई एक खेलेगा, पर सरफराज खान के खेलने के चांसेस कुछ ज्यादा हैं। वहीं उसके बाद अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन टीम का हिस्सा होंगे। जडेजा की जगह पर कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, साथ ही जसप्रीत बुमराह खेलेंगे और सिराज की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे। इससे न सिर्फ भारतीय टीम की बैटिंग की गहराई बढ़ेगी बल्कि 4 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरकर इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट कर भी सकते हैं। अब पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर हैदराबाद की तरह अनइवन बाउंस नहीं मिलेगा, स्पिन फ्रेंडली पिच है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, इसीलिए इंग्लैंड की टीम 4 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरी है जैसा कि पहले टेस्ट मैच में था। लेकिन भारतीय भी अब क्वालिटी स्पिनर्स के साथ उतर रही है, हालांकि जडेजा और अश्विन दोनों एक साथ खेलते हैं तो बहुत बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते हैं, पर अब रविंद्र जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल लीड करेंगे और रविचंद्र अश्विन के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं कुलदीप यादव के ऊपर भी बड़ा दारोमदार होने वाला है। पिच से तेज गेंदबाजों को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, पर हम सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सरफराज खान और रजत पाटीदार को लेकर है, उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि रजत पाटीदार की जगह पर सरफराज खान को खिलाया जाए, क्योंकि उनके पास अनकन्वेंशनल शॉट्स हैं जैसे कि रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, तरह तरह के शॉट्स खेलने की क्षमता है और काफी अच्छा फॉर्म लेकर सरफराज खान आ रहे हैं। मैच कल सुबह 9:30 बजे शुरू होगा जो कि विशाखापट्टनम से खेला जा रहा है। विशाखापट्टनम के वाइजैक में सारी टीमें पहुंचकर प्रदर्शन कर रही हैं। पिच पर अभी भी कवर्स हैं, पिच में थोड़ी सी घास रखी गई है जब पिच की इमेज सामने आई थी, और पिच पर पानी भी डाला जा रहा है, यानी कि पिच उतना ज़्यादा शुरुआत में स्पिनर्स के लिए अनुकूल नहीं होगी। उसके बाद जब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पिच पर बॉलिंग करनी ज़्यादा आसान होगी और बैट्समैन के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला करेगी। उम्मीद है कि कल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीते और पहले बैटिंग करें और ये मैच जीतकर श्रृंखला को 1-1 से बराबर करें, फिर बचे हुए 3 में से ज़्यादा से मैच जीतकर श्रृंखला जीतकर अपने नाम करें। ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।